फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं फोर्स गुरखा। ये जो गाड़ी हमारे पास है इस गाड़ी का एक्सप्लोरर एडिशन है। लेते हैं इस गाड़ी का इनडेप्थ टूर। सेंटर में हम लोगों को मिलती है प्लास्टिक की ग्रिल जिस पर फोर्स का लोगो है। गाड़ी में सर्कुलर हेडलैम्प्स दिए गए हैं जिस पर ग्रिल लगी है। नीचे फॉग लैम्प्स भी यहाँ पर मिलते हैं। हेडलाइट्स के साथ साथ बोनट के पास में फेंडर्स के ऊपर भी इस गाड़ी के टर्न इंडिकेटर्स हम लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं। कुछ इस तरह के एल्यूमिनेशन इंडिकेटर्स का हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। ये जो हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स हम लोग यहाँ देख रहे हैं इनका एल्यूमिनेशन भी एडिक्वेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। हेडलैम्प्स पर जैसा कि मैंने बताया ग्रिल लगी है ताकि ऑफ रोडिंग में स्टोन वगैरह इन हेडलैम्प्स को डैमेज ना करें। बात करें गाड़ी के व्हील्स की तो यहाँ पर 16 इंच के स्टील व्हील हम लोग को इस गाड़ी में मिलते हैं। 245/70R16 साइज़ का टायर यहाँ पर हम लोग को मिलता है। गाड़ी के साइड में हम लोग को एक्सप्लोरर एडिशन ही है तो उसका बैजिंग यहाँ पर दिया गया है। टू डोर वर्जन ये आता है साइड में। फैक्ट्री प्रिंटेड स्नॉर्कल के साथ में ये गाड़ी आती है, मतलब आप इसको खरीदें और सीधे ऑफ रोडिंग पर ले जा सकते हैं। साइड में हम लोग को फुट स्टेप भी यहाँ पर दिया गया है क्योंकि गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस काफ़ी ज़्यादा है। पीछे की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को एक स्टील व्हील स्टेपनी मिलती है। पीछे की जो टेल लाइट है वो बल्ब वाली यूनिट है और उस पर भी ग्रिल लगी हुई है। पीछे हम लोग को एक टोहुक कंपनी से फिटेड मिलता है इस गाड़ी के अंदर और एक स्टेप भी दिया गया है पीछे के पैसेंजर्स को चढ़ने के लिए। यहाँ पर हम लोग को गुरखा का बैजिंग मिलता है 4x4x4 का। जो एक्स्ट्रा 4 है वो 4 टेरेंस का यहाँ पर मतलब है। ऊपर हम लोग को एक LED वाला हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पर इस गाड़ी में दिया गया है। अब लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर का एक लुक। तो डोर को ओपन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे की होल दिया गया है। यहाँ से इस गाड़ी को करते हैं हम लोग अनलॉक और डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक के डोर हैंडल्स दिए गए हैं। ड्राइवर साइड का जो डोर है कि अगर अंदर से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मैनुअल विंडोज हम लोग को मिलते हैं। नीचे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, ग्रैब हैंडल दिया गया है और बिल्कुल बेसिक सा डोर हैंडल यहाँ पर दिया गया है। डोर में बहुत थोड़ी सी पैडिंग हम लोग को यहाँ पर मिल जाती है। तो डोर है बिल्कुल बेसिक क्वालिटी का है। अगर अभी हम लोग बात करें इस गाड़ी को स्टेयरिंग व्हील की, 3 स्पोक का प्लास्टिक वाला स्टेयरिंग व्हील हम लोग को इस गाड़ी में मिलता है। स्टेयरिंग के राइट साइड में AC का एक वेंट और फॉग लैम्प का स्विच हम लोग को यहाँ पर दिया गया है और एक डमी स्विच दिया गया है। राइट साइड में और कुछ भी नहीं है डैशबोर्ड में। और सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर AC के वेंट्स और टैकोमीटर दिया गया है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पर मिल जाता है और एक जो मैनुअल AC है और हीटर है इस गाड़ी का उसके कंट्रोल भी सेंटर कंसोल में हम लोग को दिए गए हैं। हजार्ड लाइट्स और हेडलैम्प लेवलर भी हम लोग को सेंटर में यहाँ पर मिलता है। एक सिंगल डिन की यूनिट को अकोमोडेट करने के लिए डमी भी यहाँ पर दिया गया है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो गाड़ी का ग्लो बॉक्स थोड़ा सा छोटी साइज का है। यहाँ पर AC वेंट मिलता है। यहाँ पर नीचे डिफरेंशियल लॉक्स को लगाने की कुछ वार्निंग दी गई है कि चलती गाड़ी में ना लगाएं और डिफरेंशियल लॉक लगाने का गाड़ी जहाँ तक हो सके सीधी ही चलाएं, टर्न ना करें। अगर गियर लीवर की बात करें तो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसके लेफ्ट साइड में फ्रंट डिफरेंशियल लॉक का लीवर दिया गया है और गियर लीवर के राइट साइड में रियर डिफरेंशियल लॉक का लीवर हम लोग को यहाँ पर मिल जाता है। गियर लीवर के पीछे ट्रांसफर केस का लीवर दिया गया है। 2 व्हील हाई रेशो, 4 व्हील हाई रेशो और 4 व्हील लो रेशो करके 3 मोड्स में जो गाड़ी है उसको हम लोग 4 व्हील ड्राइव या 2 व्हील ड्राइव में इस लीवर की मदद से शिफ्ट कर सकते हैं। इंटीरियर रियर व्यूर मैनुअल है। सनवाइजर की बात करें तो ड्राइवर साइड का सनवाइजर भी बिल्कुल बेसिक है और पैसेंजर साइड का सनवाइजर भी बिल्कुल बेसिक है। स्टेयरिंग स्टॉक की बात करें तो राइट साइड के स्टॉक पर हम लोग को हेडलैम्प के कंट्रोल और इंडिकेटर के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। पास का स्विच भी यहीं पर है। लेफ्ट स्टॉक पर हम लोग को वाइपर और वॉशर के कंट्रोल दिए गए हैं। 4 स्टेज में इस गाड़ी के वाइपर्स को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट टेस्टर की बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट टेस्टर है, एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग ओडोमीटर, एनालॉग ट्रिप मीटर और फ्यूल गॉज और टेम्परेचर गॉज यहाँ पर दिया गया है। अब चलते हैं इस गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव पर। तो यहाँ पर हमने इस गाड़ी को डाला 4 व्हील हाई रेशो में और हम लोग पहले स्टार्ट कर रहे हैं एक ओपन ग्राउंड से जो कि बारिश की वजह से काफ़ी मडी और स्लशी हो रहा है। यहाँ पर 4 व्हील हाई रेशो में डालकर हम लोग करते हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग फोर्स गुरखा को लेकर। 4 व्हील हाई रेशो में गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। हमने अभी कोई डिफरेंशियल लॉक यहाँ पर यूज़ नहीं करा है। 4 व्हील हाई रेशो में ये जो गाड़ी है ये मट्स है और जो भी ग्रास वगैरह स्लिपरी हो रहा है टेरन थोड़ा सा तो यहाँ पर बहुत इजीली यहाँ से निकल पा रही है। यहाँ पर वीडियो में शायद आप लोग को दिख नहीं पा रहा होगा पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं इस ग्राउंड के अंदर। हमारा कैमरा पीछे की सीट पर अभी हाई लेवल पर लगा हुआ है तो यहाँ से बोनट की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। पीछे की सीट पर पूरा बोनट पीछे की सीट से भी विजिबल है इस गाड़ी का। अगर ड्राइविंग सीट पर की बात करें तो वहाँ से भी जो बोनट है वो एंड तक पूरा बहुत अच्छे से विजिबल है। गाड़ी के सस्पेंशन से यहाँ पर बोलना पड़ेगा काफ़ी अच्छे हैं। रियर सस्पेंशन भी गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं। अब हम लोग इस गाड़ी को चलाते हैं थोड़ा सा रोड पर, देखते हैं ये जो गाड़ी है ये रोड पर चलाने पर कैसा हम लोग को फील दे रही है। गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है ये थोड़ी सी बड़ी साइज़ का यहाँ पर मिल रहा है। पावर स्टेयरिंग के साथ ही में ये गाड़ी आती है। तो अब इसे गाड़ी को रोड पर चलाना है तो हम लोग इसके ट्रांसफर केस के लीवर को डालते हैं 2 व्हील हाई रेशो मोड में। 2 व्हील ड्राइव पर हम लोग इस गाड़ी को अब चलाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें गाड़ी की ऑन रोड चलाने की तो यहाँ पर गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, एडिक्वेट से थोड़ा सा कम एक्सेलरेशन यहाँ पर लगता है। ये जो इंजन है इसकी जो नॉइज़ है वो भी थोड़ी सी हार्ड साइड पर यहाँ पर मुझे लग रही है। गाड़ी के कूलिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये हार्ड टॉप वर्जन है जो हम लोग के पास है। गाड़ी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली केबिन को जो है वो यहाँ पर ठंडा कर रही है। ये जो गाड़ी है इसका सोल पर्पज़ ऑफ रोडिंग है।
50-60 की स्पीड पर हम लोग इस गाड़ी को चला रहे हैं। चलते हैं गाड़ी को लेकर वापस और लेते हैं गाड़ी के पीछे की सीट का एक लुक। तो पीछे के डोर को ओपन करने के लिए भी यहाँ पर हम लोग सेम लीवर दिया गया है, उसे करते हैं डोर को ओपन। पीछे का जो डोर है ये भी अंदर से पैडेड है, सिर्फ एक लीवर हम लोग को मिलता है। साइड फेसिंग सीट्स हम लोग को इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जिसमें चार लोग एडिक्वेटली बैठ जाएंगे। ऊपर एक ग्रैब हैंडल दिया गया है कॉमन, ये जो हैंडल यहाँ पर दिया गया है इसको पकड़कर हम लोग क्लाइंब करते हैं अंदर। गाड़ी के जो साइड के विंडोज़ हैं जो स्लाइडिंग है, इसको स्लाइड कर हम लोग इस तरह से ओपन या क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग को एक सेंटर में एक सिंगल कप होल्डर भी इस गाड़ी में मिल जाता है। अगर बात करें गाड़ी की रूफ की, तो यहाँ पर पीछे के पैसेंजर के लिए भी 3-स्टेप कैबिन लाइट हम लोग को यहाँ पर दी गई है, जिसको हम डोर्स के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं। गाड़ी के बोनट की बात करें तो गाड़ी के बोनट का जो लिड है वो हकीकत में काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बहुत अच्छी क्वालिटी का मेटल पोर्ट में यहाँ पर यूज़ करा है। ये जो इंजन हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है, ये 2.6 लीटर का इंजन इस गाड़ी में मिल रहा है। कॉमन रेल इंजन है, ये टर्बोचार्ज इंजन हम लोग को यहाँ पर इस गाड़ी के साथ में मिल रहा है। बोनट में काफ़ी अच्छा क्लैडिंग दिया गया है, बट तब भी इंजन का जो नॉइज़ है वो थोड़े से हायर साइड पर यहाँ पर है। पर फिर वही बात आती है कि जो गाड़ी है ये प्रॉपर ऑफ रोडर है, तो हम इसमें नॉर्मल कार के कम्फर्ट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये जो गाड़ी का मेन पर्पज़ है, मुझे ऐसा लगता है गाड़ी बहुत अच्छे से उस चीज़ को पूरा करती है। प्रॉपर ऑफ रोडिंग इक्विपमेंट्स इस गाड़ी में हम लोग को फैक्ट्री फिटेड मिलते हैं। करते हैं इस इंजन को चालू। अब फोर्स गुरखा के हमारे ओवरऑल वर्डिक्ट के बारे में, तो फोर्स गुरखा एक ऐसी गाड़ी है जो प्रॉपर ऑफरोडिंग के लिए बनी है। फैक्ट्री से ही काफ़ी ऑफरोडिंग इक्विपमेंट्स, जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब इस गाड़ी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहते हैं। जैसे कि हम लोग को एक स्नॉर्कल मिल रहा है, स्नॉर्कल से बेसिकली होता ही है गाड़ी का जो एयर इनटेक है वो थोड़ा सा हाइट पर चला जाता है, तो हम लोग डीप वाटर्स में गाड़ी को लेकर जा सकते हैं। एक नॉर्मल सी चिंता रहती है पानी में जाते समय कि इंजन जो है वो एयर फिल्टर से कहीं पानी अंदर ना खींच ले, उससे इंजन जो है वो ख़त्म हो जाता है, सीज हो जाता है, कॉम्प्रेशन नहीं मिल पाता, पानी कॉम्प्रेस नहीं होता इसलिए। तो अगर जो एयर का इंटेक है वो इतने हाइट पर चले जाएगा, तो जो पानी खींचने की चिंता है वो ख़त्म हो जाएगी, तो गाड़ी को हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ डीप वाटर में ले जा सकते हैं। डिफरेंशियल लॉक्स इस गाड़ी में हम लोग को मिलते हैं, फ्रंट डिफरेंशियल पे भी और रियर डिफरेंशियल पे भी। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर व्हील में ट्रैक्शन खत्म हो रहा है, जो व्हील स्पिन हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पर डिफरेंशियल लॉक को लगाकर गाड़ी को निकाल सकते हैं। जो बेसिक फीचर्स है वो तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं, जैसे कि पावर स्टीयरिंग हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। तो फोर्स गुरखा में हम लोग को ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल रही है। मतलब आप लोग ने गाड़ी की डिलीवरी ली, आप लोग MT या 80 जो भी आपको टायर्स लग रहे हैं वो डालिए और सीधे ऑफ रोडिंग पर निकल जाइए। एक टायर ही ऐसा खर्चा है जो मुझे इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग के लिए, बेसिक ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ पर लग रहा है। फोर्स को बस अपने बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। गाड़ी के जो इंटीरियर्स हैं वो मुझे काफ़ी बेसिक लगे, उनकी बिल्ड क्वालिटी की भी अगर बात करें तो थोड़ी सी डाउन मार्केट यहाँ पर लगती है। गाड़ी के लुक्स की बात करें तो गाड़ी का जो लुक है वो भी सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, कुछ लोग इसको मर्सिडीज G63 से कंपेयर करते हैं, जिसको कॉमनली जी वैगन बोला जाता है। सेफ्टी के नाम पे भी गाड़ी में कोई फीचर्स नहीं दिए गए हैं, कोई ABS, कोई एयरबैग्स इस गाड़ी में हम लोग को नहीं मिलते हैं। तो ये था फोर्स गुरखा को लेकर हमारा ओवरऑल वर्डिक्ट। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हम लोग को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज़ को कवर करें तो आप लोग उसे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर आप लोग हम लोग को फॉलो करें, इसकी जो लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है और इस वीडियो में भी आप लोग को अभी नीचे दिख रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।